कभी उसके हाथों में हथकड़ी नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको हथकड़ी पहनाकर इस बार कोर्ट में लाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि हथकड़ी पहनाकर जो है माफिया अतीक अहमद को लाया गया है और अभी तक के उसके अपराध कभी भी कोर्ट की पेशी के दौरान या जेल ले जाते वक्त कभी उसको हथकड़ी नहीं पहनाई गई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको ये हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें वो हथकड़ी पहना हुआ है, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि माफिया को जो है पहली बार जो है हथकड़ी पहनाई गई है उसके आपराधिक जीवन में। आमतौर बाहुबली की तरह या उसको कह सकते हैं कि बड़े माफिया की तरह उसको ले जाते थे, कभी उसके हाथ में हथकड़ी नहीं होती थी, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आज उसको जब प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में लाया गया है तब हथकड़ी उसको पहना के लाया गया है। शायद यही वजह है कि उसके मनोबल को तोड़ना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई गई है। अब फिलहाल आपको अपडेट देते हैं कि कस्टडी रिमांड अवधि पर जो सीजीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी वो पूरी औपचारिक रूप से कोर्ट जो है वो अपना फैसला जो है वो सुना देगी। कितने दिन की रिमांड दी जाएगी, हालांकि जो सोर्सेस है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि 3 दिन की रिमांड जो है कस्टडी रिमांड वो दी जा सकती है, चूँकि एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अशरफ और अतीक की लगाई गई है ये कहा गया है। और हमने देखा भी तस्वीरों में कि जब अशरफ और अतीक लाए जा रहे थे, जब वैन से उतार कर उनको पैदल लाया जा रहा था तब वो चलने में काफ़ी उनको दिक्कत हो रही थी। और आज सुबह भी जेल के अंदर डॉक्टर्स की जो टीम थी उसने अतीक और अशरफ का चेकअप किया है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि बस अब कुछ ही देर के बाद, चूंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है कस्टडी रिमांड पर, तो अब कोर्ट क्या कुछ कहता है अगले 10 से 15 दिन में 10 से 15 मिनट में तय हो जाएगा और उसके बाद सीधे जो है कस्टडी रिमांड की मंजूरी मिलना हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब पुलिस अतीक और अशरफ से पूछताछ करेगी, लेकिन कितने दिन पूछताछ करेगी ये देखना होगा। और यहाँ से उसको सीधे जो है पुलिस लाइन ले जाएंगे जहाँ पर अतीक और अशरफ को रखा जाएगा और अतीक और अशरफ को रखकर वहाँ पर पूछताछ की जाएगी। 200 से सवालों ज़्यादा जो है जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। अलग अलग जो अपडेट हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि कुल क्या कुछ के लिए बेहद जरूरी है। कोर्ट में पुलिस जो है हथकड़ी लगाकर अतीक को और अशरफ को लेकर पहुंची। कोर्ट जब बैठी तो कोर्ट में जो सरकारी वकील हैं और जो हैं वो कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि 14 दिन की कस्टडी रिमांड दी जाए ताकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में तमाम चीज़ें जो हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। कोर्ट ने इस पर मंजूरी दे दी, लेकिन इसी वक्त जो है अशरफ और अतीक के वकील ने इसका विरोध किया। अशरफ और अतीक ने रिमांड है वो 14 दिन की ना दी जाए क्योंकि उनके जो क्लाइंट हैं, जो उनके हैं, उनकी जो तबीयत है वो ख़राब है। एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो दी गई है और जो आज जेल में जो चेकअप हुआ है उसको दिया गया है और उसके आधार पर कोर्ट ने फिर से सुनवाई की है और अब फिलहाल सुनवाई पूरी कर ली गई है। ये माना जा रहा है कि 3 दिन की कस्टडी रिमांड जो है वो दी जा सकती है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि कस्टडी रिमांड को लेकर बस अब कुछ ही देर के बाद फैसला आ जाएगा और की बड़ी खबर है कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और बस कुछ ही देर के बाद कोर्ट क्या कुछ कहता है ये देखना होगा। लेकिन ये तय है कि अतीक और अशरफ से लगातार पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में क्या कुछ निकलता है ये देखा जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि कस्टडी रिमांड अवधि पर सीजीएम कोर्ट ने मोहर लगा दी है रिमांड अर्जी पर, बस केवल कितने दिन की रिमांड अर्जी दी जाएगी ये देखना होगा। जी बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए। अलग अलग तस्वीरें देखिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, रिमांड पर खुलेंगे राज और कितने दिन की रिमांड मिलती है इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि कुछ देर का इंतजार और करना पड़ेगा जैसे कि विशाल बता रहे हैं और उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि कितने दिन की रिमांड यहाँ पर मिलती है और पूछताछ से कई राज खुलेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। कोर्ट में पेशी के लिए अतीक अहमद और अशरफ को कुछ देर पहले लाया गया और अभी सुनवाई चल रही है, सुनवाई पूरी भी हो गई है और अब अपना फैसला कुछ ही देर बाद 10 से 15 मिनट कहा जा रहा है कि और वक्त लगेगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कितनी देर कितने दिन की यहां पर रिमांड दी गई है और उसके बाद सीधे कोर्ट से पुलिस लाइन ले जाएगी अशरफ और अतीक को पुलिस और वहां पर 200 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है।